કામરેજ તાલુકાના ઉંભેળ ગામના ફાર્મ હાઉસમાં કડોદરા વિભાગ સિનિયર સિટીઝન જનસેવા ટ્રસ્ટની 14મી વાર્ષિક સાધારણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સભાની શરૂઆતમાં કોરોના કાળમાં અવસાન પામેલા સંસ્થાના પ્રમુખ સૂર્યકાંતભાઈ રાવળ તથા અન્ય સભ્યો માટે 2 મિનિટનું મૌન પાળી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। જ્યારે આ સંસ્થા દ્વારા ચલથાણમાં લૂંટારુઓને હિંમતભેર સામનો કરી તેમને ભગાડનાર એવી બહાદુર દીકરી રિયાનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, મેં રિયા સ્વાઈન બોલ રહી હું ચલથાણ સે। મેરે ઘર પર ચોરી હુઈ થી, મતલબ 3 ચોર આયે થે ઘર મેં, રાત કે 1:30 બજ રહે થે। તો 3 ચોર આયે पीछे के दरवाजे से आए थे और पीछे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्होंने लॉक तोड़ के अंदर घुसे और फिर मैं और मेरी बहन बेडरूम में थे तो और मेरे मम्मी पापा दूसरे रूम में थे। तो उन्होंने मैं जगी हुई थी, मैं पढ़ रही थी बैठ के, तो उन्होंने मेरे पे हमला किया और मेरे गले पे सीधे चाकू रख दिया उसमें से एक में, और सबके मुँह बंधे हुए थे और सबके हाथ में चाकू भी थी। तो मैंने अपने गले से चाकू हटाया और फिर मेरी बहन दूसरा वाला मेरी बहन के पास आके उससे भी हमला करने जा रहा, तो उसको मैंने अपने पास खींचा तो वो जग गई थी, वो सो रही थी मेरी बहन। तो मैं और मेरी बहन दोनों ज़ोर से चिल्लाए, फिर मम्मी पापा तुरंत आ गए देखने कि क्या हो गया। तो मम्मी पापा जैसे ही आए वो लोग चोर लोग देख के तुरंत भाग गए थे वहाँ से, और फिर जाते जाते वो लोग ने घर से फ़ोन चोरी करके ले गए। में आप कुछ हो रही और जैसे उन्होंने हाथ मेरे गले में चाकू रखा और मैंने चाकू पकड़ा, तो मेरे हाथ में उसकी वजह से बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 24 टाँके आए थे मेरे।